हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कि जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये 19वीं सेंचुरी में नीडल्स और ब्लेड बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और ये ब्लेड्स जो हैं वो लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती थी। वो कैसे बनते थे और उनका प्रोसेस क्या था? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टोन है, इस पत्थर में उस वक्त के तकरीबन आज से 125 साल पहले इन पत्थरों को इस्तेमाल करते हुए ये ब्लेड्स बनाते थे, और जो आज भी 125 साल बाद भी ये पत्थर इन्होंने संभाल के रखे हैं। और आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर होल है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के औजार लगाए जाते थे जो कि उनको ब्लेड बनाने में मदद करते। ये काफ़ी सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। और तकरीबन इन सब की शेप जो है सुराख की, जो इनके अंदर होल हैं, वो सेम ही हैं, और इन्होंने आज तक इसको संभाल के रखा है। और ये देखें कि ये पत्थर जो है, ये पहाड़ के पत्थर हैं, और इसके अंदर उन्होंने उस टाइम होल किया था अपनी ज़रूरत नीडल्स बनाने के लिए, जो ज़रूरत थी उनको। और ये देख रही हूँ, परफेक्ट होल किए हैं इन्होंने। और ये पहाड़ के पत्थर हैं और इसके अंदर उन्होंने होल किया, इसको इन्होंने बनाया नहीं है। तो जिस तरह आज के दौर में सीमेंट के ब्लॉक बनते हैं, और उनको आप जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको शेप दे सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। और उन्होंने पहाड़ के पत्थरों में ही सुराख करके इसके अंदर वो औजार बनाने के जो आलात थे वो इसके अंदर फिक्स करते थे। शुक्रिया दोस्तों आज के लिए, और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।